वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी नाइस गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर शाम को शूट हो रहा है। अच्छा, तो कैसे हैं आप लोग? वेल, बहुत बढ़िया होंगे आई होप। सो जिसका इंतजार था आ गया है लेंस। बच्चों, आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर टू। और आज लेंस हम लोग के बीच आ चुका है, इंट्रोडक्शन टू लेंस। तो लेंस पढ़ने से पहले मेरा कुछ अलग तरीका है, तुमको पता है। सीधे लेंस पर ना जाते हुए समझा जाए कि लेंस होता कैसे है, बनता कैसे है, क्या इसका फिनोमिनन है, क्या प्रक्रिया है, इन सब चीजों को जानेंगे। देखो, सीधा सीधा हो सकता है, लेंस इज अ डिवाइस यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के डायरेक्शन को क्या, लेंस से गुजरता है तो लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है। दो प्रकार के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं। तो कॉन्वेक्स से क्या होता है, लाइट जब इंसिडेंट रह जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मुड़ता है, और कॉनकेव में प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागता है। क्या यह सच में ऐसा होता है या फिर, इस सब चीजों को जांच करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। तो लेंस क्या होता है भैया? तो लेंस यहां आया है क्यों, लेंस मतलब क्या, कुछ समझ में नहीं, तो सुनो, समझ में नहीं आ रहा। तो लेंस देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट, क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स याद है ना, ऑप्टिक्स में दो पार्ट होते हैं, रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स तो हमको पढ़ना नहीं है क्लास 10 में, हमको पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में भी किसको पढ़ना है, लाइट रे को पढ़ना है। तो लाइट रे क्या करती थी, पार्टिकल के साथ, मैटर के साथ इंटरेक्ट करती थी। कैसा इंटरेक्शन होता था बच्चों, या तो मैटर लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर दे रहा था या फिर रिफ्रैक्ट होती थी, ऑब्जर्व करती थी। तो लाइट रे जब मीडियम से चल के आके टकरा के वापस चली गई तो इसको बोलते थे रिफ्लेक्शन। क्या बोलते थे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब वही लाइट रे जब मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में इंटर कर जाती थी, प्रवेश कर जाती थी, और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन तथा स्पीड दोनों चेंज हो जाता था, तो इसको बोलते थे बच्चों रिफ्रैक्शन। क्या बोलते थे, रिफ्रैक्शन। तो लेंस भी वही है, लेंस भी वही है, लेंस कुछ अलग नहीं है, लेंस भी एक मीडियम है। क्या बच्चों, लेंस एक मीडियम है। कैसा मीडियम है बच्चों, तो इसमें लाइट रे ट्रेवल कर सकते हैं, यानी ऑप्टिकल मीडियम है। याद है, ऑप्टिकल मीडियम किसको बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम उसको बोलते हैं जिस मीडियम में लाइट कैन पास, लाइट कैन ट्रेवल, उसको ऑप्टिकल मीडियम बोलते थे। तो लेंस भी एक मीडियम है, मीडियम यानी जैसे एयर है, वाटर है, ग्लास है, तो वाटर से लेंस बनता है, ग्लास से लेंस, वाटर से लेंस, तो वाटर से भी लेंस बनता है बच्चों। तुम जाओगे 12th क्लास में तो तुमको बताया जाएगा, या फिर हमसे जुड़े रहोगे तो हम भी बताएंगे वाटर से लेंस कैसे बनता है, पानी का लेंस, पानी के अंदर जाओ लेंस बना दो, हाँ, शीशे के अंदर घुस के जाओ एयर का लेंस बना दो, हवा का लेंस, हवा का लेंस सुने हो कभी, इन सब चीज पॉसिबल। तुम जाओगे हायर क्लास में 12th में तो तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी कराया जाएगा, तो उस समय मैं भी तुमको इंट्रोड्यूस करूंगा कि हवा से लेंस कैसे बनता है। हाँ, सामने हवा है, इसको लेंस बना दिया जाएगा, पानी है, उसको लेंस बना दिया जाएगा। तो हवा से, पानी से, ये सब से, जो कुछ भी हम बना रहे हैं, तो हवा, पानी, ग्लास, ये सब क्या है, ये मीडियम है। क्या है बच्चों, मीडियम है। तो लेंस क्या है, एक मीडियम है जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, यानी ऑप्टिकल मीडियम है। तो इसी चीज को हम लोग इन डिटेल अब करने जा रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करें, आर यू रेडी? चलिए, तो आप रेडी हैं लेंस पढ़ने के लिए? तो लेंस बच्चों किसको बोलते हैं, पहले इसको डिफाइन कर लिया जाए, व्हाट इज लेंस। तो लेंस क्या है बच्चे, लेंस ऑप्टिकल मीडियम है जिससे लाइट ट्रेवल करती है, और साथ ही साथ इसका रिफ्रैक्शन भी मीडियम है, यानी इस पे रिफ्रैक्शन होना है, ओके। और क्या होता है बच्चों, इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, कितना, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो होता है सर, ये तो ग्लास स्लैब में भी होता था, याद करो ग्लास स्लैब, इस तरह से एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहां और एक यहां, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इसमें और लेंस में क्या अंतर है बच्चों, तो इसमें और लेंस में यही अंतर है बच्चों कि इसका जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा
वो ज्यामितीय तो होगा, ज्योमेट्रिकल होगा, ये भी ज्योमेट्रिकल है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, लेकिन दोनों में से कम से कम एक, कम से कम एक टेढ़ा होना चाहिए, वक्र होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, तब इसको लेंस बोला जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऐसा मीडियम, ऐसा डिवाइस, ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस जिसका कम से कम दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो तथा दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस में से कम एक सरफेस गोल हो, स्फेरिकल हो, क्या हो? कर्व हो, तो उसको हम लोग लेंस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? लेंस। तो लेंस का डेफिनेशन हमारा बन गया आसानी से। कैसे बन गया बच्चों? तो इट इज ए ट्रांसपेरेंट, क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट, इट इज ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, सब्सटेंस विच हैज टू ज्योमेट्रिकल, टू ज्योमेट्रिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे, वो भी ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल यानी प्लेन, कर्व, यही होता है ट्रायंगुलर, ज्योमेट्री मतलब स्क्वायर, ट्रायंगल, स्फीयर, तो स्क्वायर ट्रायंगल में क्या होता है? सरफेस थोड़ा प्लेन होता है, और स्फीयर में सरफेस कर्व होता है, तो ये सब चीजों को ज्योमेट्रिकल बोलते हैं। तो इट हैज टू, इट इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विच हैज टू ज्योमेट्रिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो ज्योमेट्रिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे। और इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? इन विच वन सरफेस, चाहे इसको यहां से फुल स्टॉप देके अलग से लिख लो, इंपॉर्टेंट टाइप का है, वन ऑफ द टू सरफेसेस, वन ऑफ द टू सरफेसेस मस्ट बी कर्व्ड, एक जो है कर्व्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक जो है कर्व होना चाहिए, मुड़ा हुआ होना चाहिए। देखो तुमको बनाते रहे लेंस इस प्रकार का तुमको मिलेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है? तो यहां तक अभी जाएंगे हम भी, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब धीरे धीरे समझते हुए जाना है। लेंस क्या है बच्चों? देखो इसमें दोनों के दोनों मुड़ा हुआ है, और इसमें भी दोनों के दोनों मुड़ा हुआ है, दोनों कर्व है, तो दोनों कर्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कम से कम वन ऑफ द टू सरफेस मस्ट बी कर्व, एक तो कम से कम कर्व होना चाहिए, यानी एक तुम्हारा प्लेन भी हो तो चलेगा, एक जो है प्लेन भी हो तो चलेगा, दूसरा कर्व होना चाहिए, तो उसको लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लेंस बोलते हैं। तो किससे बनता है? ये शीशा से। इन सब चीजों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो तुम लिखो लेंस का, इट इज ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विच हैज टू ज्योमेट्रिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ज्योमेट्रिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए, ये नहीं कि ले लिए सरफेस इस तरह से हाँ ले लीजिए, तो कुछ ज्योमेट्री फॉलो करना चाहिए, ठीक ना? हालांकि लाइट इससे भी पास करेगा, इससे भी रिफ्रैक्शन होगा, सब कुछ होगा, सब नियम फॉलो करेगा, बट इसको डिस्कस करना उतना आसान नहीं होगा जितना इसको आसानी से हम लोग डील करेंगे, इसलिए इसको लेंस बोलेंगे। उससे भी काम होगा, लेकिन वो हमारे काम को, उसको लेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल सरफेस कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, इरेगुलर शेप टाइप का है, तो कुछ इस तरह का होना चाहिए, उसको लेंस बोलेंगे, ठीक है? ओके, तो इसको नोट करो, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस लेंस लेंस, ठीक है? अब जो है ये लेंस बनता कैसे है सर?
ये हमको डिस्कस करके बताइए। तो लेंस सुनो बनता कैसे, याद करो तुमको चैप्टर वन में जब मिरर पढ़ा रहे थे तो मिरर बता रहे थे, तो मिरर के लिए क्या बताए थे कैसे बनता है। तो मिरर के लिए बताए थे तुमको कि दो स्फेरिकल कांच का स्फीयर लिया जाता है, ग्लास का स्फीयर, और अंदर से वो हॉलो होता है, हॉलो यानी खोखला होता है, खाली होता है, मतलब इस तरह से फुटबॉल देखो ना, फुटबॉल बीच में एयर होता है, तो उस तरह का शीशा का लिया जाता है बीच में खाली हो, और उसको खटाक से, चपाक से या खचाक से, चाकू से काटा जाता है, और काटने के बाद हमको मिलता है कटोरा। क्या मिलता है बच्चों? कटोरा, याद करो। उस कटोरे को क्या करना था हमको? मिरर बनाना था। मिरर यानी लाइट को रिफ्लेक्ट कराना था, लाइट को रिफ्लेक्ट यानी लाइट इधर से जाए तो उधर पार ना कर जाए, इसलिए हम पेंट मार देते थे, सिल्वर से पेंट करते थे। तो अंदर की ओर पेंट नहीं किए, बाहर पेंट कर दिए और अंदर हमारा फेस दिखाई देने लगा, तो इसको बोलते थे कॉनकेव मिरर। और दूसरा कट पीस जो लाए, यदि उसको हम अंदर की ओर पेंट कर दे इस तरह से और बाहर की ओर फेस दिखने लगे, तो इसको बोलते थे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर, याद है। तो वैसा ही केस यहां भी होने जा रहा है। हम फिर एक स्फीयर लेंगे, किससे? तो शीशा का बना हुआ, और वो स्फीयर कैसा होगा बच्चों? तो हॉलो नहीं होगा, अंदर से खोखला नहीं होगा, पूरा भरा होगा, पूरा भरा होगा। इन द सेंस तुम ये कंचा देखे हो, कंचा गोली, गोली खेला जाता है, मूवी में देखे होगे, नहीं देखे होगे, खूब शहर में रहते हो गांव में हमारे कंचा टायर ट्यूब सब मिलता है, अच्छा अच्छा गिल्ली डंडा एक से का गेम, तो कंचा देखे होगे उसी कंचे को हम क्या करेंगे, बड़ा सा ले लेंगे, बड़ा सा। कंचा क्या होता है? अंदर से भरा हुआ, उसको तोड़ के देखे ना, अंदर खाली नहीं रहता, भरा होता है। तो वैसा ही बड़ा सा लेंगे कंचा, यानी स्फीयर भरा हुआ, और एक कट इधर से मारेंगे और एक कट इधर से मारेंगे, हमारे पास दो ठो मिल जाएगा, ठीक है, दो ठो। और ये दोनों कटोरे की तरह खाली नहीं रहेगा, पूरा भरा रहेगा, क्या रहेगा? भरा रहेगा, और इन दोनों को सटा देंगे तो क्या होगा? तो कुछ इस प्रकार का हमारे पास आने वाला है। ये एक हो जाएगा, ठीक है, मान लो इसका रेडियस आर है, तो ये भरा हुआ है, ठीक ना, भरा हुआ है, खाली नहीं है, साइडेड है, यानी अंदर से भरा हुआ है। तो एक कट यहां मारेंगे और एक कट यहां मारेंगे, तो यहां से हमको मिलेगा इस तरह से और यहां से मिलेगा हमको इस तरह से, और इन दोनों को सटा देंगे तो हमको मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक ना। चूंकि ये शीशा होता है तो तुमको उतना दिखाई नहीं देगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो देखो ये हमारा लेंस बन गया, क्या बन गया? लेंस। तो जैसे स्फीयर से हम मिरर बनाया करते थे हॉलो स्फीयर से, इस बार सॉलिड स्फीयर लेंगे, भरा हुआ स्फीयर लेंगे और उससे हम लोग लेंस बनाया करेंगे। अब जो देखो ये जो लेंस बना है तुम्हारा, ये बीच में मोटा है और किनारे की ओर पतला होते जा रहा है, क्या है? बीच में मोटा है और किनारे की ओर पतला होते जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देंगे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर, क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अभी देखते जाओ, सुनते जाओ, तो फिर इसको ढंग से हम लिखाएंगे भी। अब क्या करेंगे, इसी में से कुछ ऐसा कटिंग करेंगे, कुछ ऐसा कटिंग करेंगे, कैसा कटिंग करेंगे बच्चों? तो ये हमारा इधर स्फीयर हो गया भरा हुआ, तो देखो एक कटिंग इस तरह से करेंगे खचक, और एक और कटिंग बगल में करेंगे, और बीच वाला निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, ठीक है। या फिर सुनो, तुमको हम बता रहे हैं, तुम क्या करो, इधर का इस तरह से काट के उड़ा दो और इधर से इतना काट के उड़ा दो, तो देखो काट के उड़ा दोगे तो तुम्हारे पास इस तरह का इंटरफेस बच जाएगा,
तो इसको देखो, ये बीच में पतला हो गया और किनारे में मोटा हो गया, तो ऐसा जब बने तो उसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस। यहां मिरर लिखे हैं बच्चों, सॉरी, लेंस में आ चुके हैं हम लोग। मिरर को अब धीरे धीरे भूलना नहीं है, उसको रिवाइज मारते रहना है और लेंस को पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉनकेव लेंस बनता है। अब जो है देखो, इसका रेडियस देखो, इसमें दो सरफेस है ना, एक ये है सरफेस वन और एक ये है सरफेस टू। तो जो रेडियस इसका होगा इधर, यानी जो रेडियस इसके लिए सेंटर होगा, वही इसके लिए भी था। तो दोनों का सेम रेडियस हो सकता है, दोनों सरफेस का सेम रेडियस हो सकता है, या फिर दोनों अलग अलग स्फीयर से बनाओगे तो अलग अलग भी रेडियस हो सकता है, ठीक है। इसका रेडियस मान लो R1 था और इसका R2। अब इन दोनों को काट के बनाओगे बच्चों तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा अलग अलग रेडियस वाला, यानी एक ये छोटा रेडियस वाला और एक थोड़ा पतला है, तो समझो ये बड़ा रेडियस वाला है। तो इस तरह से ही बन सकता है, बट टेंशन की बात नहीं है, हमारे सिलेबस में क्या है, दोनों सरफेस का रेडियस सेम रहने वाला है, तो इसे इसको लेकर चिंता नहीं करना है, ठीक है। इसको लेकर चिंता नहीं करना है, हमारे सिलेबस में रेडियस दोनों सरफेस का सेम रहने वाला है, ओके। तो ये इस प्रकार से लेंस बनता है। तो लेंस बच्चों हमने लिखा दिया क्या होता है, तो लेंस किसको बोलते हैं, लेंस जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि दो ज्योमेट्रिकल रिफ्रेक्टिंग सरफेस से बनता है और दोनों में से कम एक कर्व होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास दोनों कर्व है, एक भी कर्व हो सकता है, जैसे एक प्लेन हो जाए एक कर्व हो जाए, तो कॉन्वेक्स है बीच में मोटा है तो कॉन्वेक्स बोलेंगे। तो ये है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स, कैसा, प्लेनो कॉन्वेक्स, और इस तरह से हो जाए तो देखो बीच में पतला किनारे मोटा, तो ये हमारा प्लेनो कॉनकेव। तो कम से कम एक कर्व होना चाहिए, दूसरा प्लेन हो कर्व हो तो अच्छी बात है, कम से कम एक कर्व होना चाहिए, उसको लेंस बोला जाता है बच्चों, ठीक है। अब ये लेंस मेनली दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला हमारा वही कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट करो। अब बच्चों हम यहां कुछ टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं, टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है, अच्छा है, चलो। तो जैसे हमारे पास ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलेंगे, और ये एक हमारे पास दूसरा लेंस है जिसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अभी इसको इसका इसका सबका डिफिनेशन हम लिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और ये बच्चों हमारा याद करो क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। इसी प्रकार से इसमें भी ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो सुनो, लेंस के नीचे और ऊपर से ठीक बीच में, यहां इस लाइन के पास, और इधर से ठीक बीच में, इस पॉइंट को, मतलब ठीक बीच में, नेट बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, जो भी स्पेलिंग दोनों सही होता है, सी एन टी आर ई सेंटर या फिर या सेंटर, ठीक है। और सुनो, चूंकि ये सरफेस वन है, सरफेस वन है, तो सरफेस वन इधर से गोल है, इधर से स्फेरिकल है, तो इसका सेंटर कहीं इधर इस साइड होगा, तो C1, ठीक है।
कितना है सी वन, और ये हमारा सरफेस टू है, तो ये सरफेस टू इधर की ओर स्फेरिकल है, तो इसका सेंटर इधर होगा, इसको बोलेंगे सी टू, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर की दूरी को बोलते हैं रेडियस, या फिर इस सरफेस को, इस सरफेस से, तो सरफेस टू का रेडियस आर टू हो जाएगा, और ये सरफेस वन का रेडियस आर वन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आर वन आर टू इन सब से तुमको डिस्टर्ब नहीं होना है, हमारे सिलेबस में क्या होना है, आर वन इक्वल टू आर टू होना है, तो एक हम आर लेकर चलेंगे, तो ये आर टू आर वन हटाओ और आर आर, और ये सी सी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ओके। अब तो देखो, सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फोकस होता है, ठीक, इधर भी। तो देखो ये सरफेस वन है, तो सरफेस वन के लिए फोकस ये एफ वन हो जाएगा, और सरफेस टू के लिए इधर एफ टू, तो देखो पहले एफ टू पड़ता है, हाँ, तब एफ वन पड़ता है, पहले सी टू सी वन, फिर इधर पहला फोकस एफ वन, दूसरा फोकस एफ टू, तो सी टू सी वन एफ वन एफ टू, इन सब चीजों के चक्कर में हमको तो पढ़ना ही नहीं है, हमारे सिलेबस में सब बराबर होता है, तो एफ एफ। और सुनो, एफ एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, यानी आर इक्वल टू टू एफ होता है, तुम इसको डायरेक्ट टू एफ भी लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, टू एफ भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा ना कैसे कैसे हम कर रहे हैं, टू एफ भी लिख सकते हो। सिमिलरली इसमें भी ये सरफेस वन हो गया और ये सरफेस टू हो गया, तो सरफेस वन का सेंटर इधर ही होगा, तो इसलिए इसका सी वन इधर ही हो जाएगा, इसका सी वन उधर चला जा रहा था, और ये सरफेस टू का सेंटर इधर सी टू, और ये हमारा एफ वन और ये हमारा एफ टू, तो चूंकि रेडियस दोनों का बराबर होना है, तो ये वन टू का काम ही खत्म, और इसको हम 2f लिख सकते हैं, इसको 2f लिख सकते हैं। इसका ऑप्टिकल सेंटर यहां होगा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये लेंस का इंट्रोडक्शन था, दोनों लेंस से कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो इसमें हमारे पास आया एक सेंटर यानी 2f, तो सेंटर क्या होता है बच्चों, तो लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर वही होगा जो सेंटर उस स्फीयर का होगा जिस स्फीयर से ये बना है। फोकस बच्चों, फोकस को डिफाइन करो, याद है फोकस, इंसिडेंट रे पैरेलल आती थी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कट करे या जिस पॉइंट से निकलती हुई महसूस हो, कट ना करे तो निकलती हुई महसूस हो, तो उसको फोकस बोलते थे, ठीक। उसी प्रकार यहां भी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है उसको भी डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले नोट करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कैसे कैसे इसको डिफाइन करना है। चलो हो गया, तो अब जो है एक एक चीज को देखा जाए, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, इन सब चीजों को आप डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहला टर्म है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं बच्चों, तो ये हमारा लेंस हो गया और ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, दोनों लेंस है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये ऑप्टिकल सेंटर बीच में होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर का बाबू बच्चा खास बात यह है कि जब भी कोई रे यहां से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी,
उस रे का कोई डेविएशन नहीं होना है, कोई डेविएशन नहीं होना है, यानी जैसे आ रही थी वैसे ही चले जाएगी। पता है ऐसा कब होता था? जब हम लोग उसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते थे। अब तुम देखो ना, एक बात ध्यान दो, यहां भेजे में इंटर करो, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके ऊपर परपेंडिकुलर जा रही है, हाँ, इसका सेंटर इधर कहीं होगा, उसी के चारों तरफ बीचों बीच होता है प्रिंसिपल एक्सिस, याद है ना? तो प्रिंसिपल एक्सिस तो मुड़ नहीं रही है, ये भी सोचने वाली बात है। तो प्रिंसिपल एक्सिस मुड़ नहीं रही है यानी सेंटर से जा रही है, यानी कि जो इस सेंटर से गुजरेगा वो मुड़ेगा नहीं। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर का वह पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर किसी लेंस के अंदर का वह पॉइंट है जहां से यदि कोई रे पास करेगी तो डेविएट नहीं करेगी। तो ऑप्टिकल सेंटर के बारे में लिखोगे, इट इज द पॉइंट इनसाइड द लेंस फ्रॉम वेयर इट इज द पॉइंट इनसाइड द लेंस फ्रॉम वेयर इफ लाइट, इसको कैसे लिखा जाए, इट इज द पॉइंट इनसाइड द लेंस फ्रॉम वेयर ट्रेवलिंग इंसिडेंट रे डज नॉट बेंड। इट इज द पॉइंट इनसाइड द लेंस, लेंस के अंदर का पॉइंट है फ्रॉम वेयर ट्रेवलिंग इंसिडेंट रे डज नॉट बेंड, ऐसा पॉइंट है जहां से इंसिडेंट रे बेंड ना करे, ठीक है। If incident ray is passing through optical center, then it does not bend. इसको सीधा-सीधा हम इस तरह से भी लिख सकते थे। If incident ray passing through optical center, then it does not bend. तो उसको optical center बोलते हैं। यानी यहाँ से जो इस तरह से light दी आती है, तो सीधा इस तरह निकल सकती है। इसमें भी यदि इस तरह से आएगी, तो बिना deviation के निकल जाएगी। तो इसको बच्चों बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर जहां से लाइट यदि इंटर करे, पास करे, तो लाइट में कोई डेविएशन नहीं होना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओके, लिख लो इसको, ठीक है। अगला टर्म है हमारा बच्चों फोकस, फोकस ऑफ द लेंस, लेंस की फोकस किसको बोलेंगे बच्चों? तो लेंस की फोकस उसको बोलते हैं, याद करो, लेंस की फोकस उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का वह पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद, उस समय मिरर पढ़ रहे थे, तो रिफ्लेक्शन के बाद आके इंटरसेक्ट करे या फिर वहां से इमिट करती हुई महसूस हो, तो कुछ इसी प्रकार का हम लोग देखने जा रहे हैं। फोकस ऑफ लेंस, लेंस की फोकस किसको बोलेंगे? तो इट इज द पॉइंट, क्या बोलेंगे दोस्त, लेंस की फोकस, इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच इंसिडेंट रे डाइवर्ज और सीम्स टू इमिट, जहां से डाइवर्ज करती हो या सीम्स टू इमिट करती हो, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ओके, तो इस चीज को थोड़ा लिख लिया जाए। ओके, तो व्हेन ए इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे कमिंग, क्या इतना गंदा हो जाता है, व्हेन इंसिडेंट रे
कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या बताता है बच्चों, इट इट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस और इट सीम्स टू इमिट्स, इट सीम्स टू इमिट्स, इट सीम्स टू इमिट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, क्या होता है बच्चों, तो व्हेन इंसिडेंट रे, देखो इसको इधर हम बता रहे हैं, मान लो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये हमारा कॉन्वेक्स और ये हमारा कॉनकेव, ठीक है। तो जब रे इंसिडेंट करेगी, पैरेलल इंसिडेंट करेगी, मान लो ये पैरेलल रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो क्या होना है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, ठीक है, या फिर पैरेलल आई तो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से निकलती हुई महसूस हो, इसको देखोगे तो लगेगा कि ये कहीं पीछे यहां से निकल रही है, ठीक है, पढ़ो इसको, when a incident ray coming parallel to principal axis, principal axis के parallel आ रही हो, तो it intersect at a point on principal axis, it intersect at a point on principal axis, principal axis की किसी point पे intersect करेगी, या it seems to emits from a point, it seems to emit, लगेगा कि emit कर रही है, निकल रही है from a point, किसी point से on principal axis, कब, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे या तो कट करेगी या फिर लगेगा कि किसी पॉइंट से निकल रही है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों फोकस ऑफ द लेंस। व्हेन अ रे, व्हेन अ इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस और इट सीम्स टू इमिट फ्रॉम ए पॉइंट on principal axis after refraction, then this point is called focus of lens, इस point को हम लोग lens का focus बोलते हैं बच्चों, ये हमारा फोकस लेंस का डेफिनेशन हो गया, एक ही में दोनों का हो गया, ठीक है, तो या तो प्रिंसिपल एक्सिस पर कट कर दे उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे, या फिर ऐसा लगे कि इस पॉइंट से निकल रही हो रिफ्रैक्शन के बाद तो उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे, हालांकि तुम सोच नहीं रहे हो, तुम बुक पढ़ते हो तो तुम डायरेक्ट लर्न कर लिए होगे कि सर ये कन्वेक्स लेंस जो है ये इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करा दिया, यानी इंसिडेंट रे को मोड़ के प्रिंसिपल एक्सिस की ओर घुमा दिया है, हाँ? और ये कॉनकेव लेंस जो है सर वो इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगा रहा है, ये तुम सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, क्या पता तुमको, तो नहीं सोच रहे हो तो सोचो कि ये कन्वेक्स लेंस ये इधर क्यों मुड़ाया, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर ही क्यों मुड़ाया, ये दूर क्यों नहीं भगाया, ये इधर क्यों नहीं मुड़ाया, तो इन सब चीजों को हम रटने वाले और रटाने वाले नहीं, इनको अभी अभी तुरंत हम लोग डिटेल देखेंगे कि ये जो रे इंसिडेंट आ रही थी ये कॉन्वेक्स लेंस द्वारा इधर ही क्यों मुड़ गई, या कॉनकेव द्वारा प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ही क्यों भागी,
इन सब चीजों को अब हम लोग देखने वाले हैं। क्या ये हमेशा इधर आएगी, क्या ये हमेशा दूर भागेगी, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसको देखेंगे, पहले इसको नोट करो फिर देखते हैं। हो गया नोट, मिटा दे। तो चलो उसको थोड़ा हम लोग देख ले, क्यों भागती है, क्यों भागती है। इसकी जानकारी तुमसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन तुम इसको जानो, एग्जाम में तुमसे नहीं पूछेगा ये इधर क्यों भागी उधर क्यों भागी, ठीक है ना। ठीक है, तो पहला हम लेंगे कॉन्वेक्स और बाद में कॉनकेव। ठीक है, पहला हम लेंगे कॉनकेव और बाद में कॉन्वेक्स, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, क्या हो गया कॉन्वेक्स, शीशा का बना है, हाँ? क्या है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू जी, ग्लास है और इधर एयर है। ओके, तो मान लो यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है ओ, क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट होगी, लाइट निकलेंगी, रे निकलेंगी और वो रे इधर से इंटर करना चाहेंगी तो करवाया जाए। तो ये एक रे इधर चली, यहां पहुंची, ये एक रे इधर यहां पहुंची, इंसिडेंट रे है। अब देखो बच्चों, ये एयर है और ये ग्लास है, तो यहां जो है मीडियम चेंज होने जा रहा है। हमने शुरू में ही बताया लेंस क्या है, लेंस एक मीडियम है शीशा का, पानी का, हवा का। तो एयर से अब ग्लास में जा रही है, तो चूंकि तुमको पता है म्यू ए लेस देन म्यू जी होता है, यानी एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम होता है, इसका 1.5 होता है और इसका 1 होता है। तो बच्चों यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है रेयरर से डेंसर में जा रही है, क्या हो रही है रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो तुम बताओ रेयरर से डेंसर में जाने वाली किधर मुड़ती है। तो सर रेयरर से डेंसर में जाने वाली नॉर्मल की ओर मुड़ती है, याद है तुमको, रेयर से डेंसर में जाने वाली नॉर्मल की ओर मुड़ती है, टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे इंसिडेंट की, तो तुमको यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो तुम याद करो स्फेरिकल में नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता था, स्फेरिकल में नॉर्मल ड्रॉ किया जाता था बच्चों, हम उस सरफेस के सेंटर से मिलाते थे, सेंटर से उस पॉइंट को मिला, इस सरफेस का सेंटर इधर कहीं होगा, हा? इस सरफेस का सेंटर इधर कहीं होगा यहां पे, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया जाए, तो मिलाओ या फिर बिना मिलाए भी छोड़ सकते हो, देखो इस तरह से। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, अब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर मुड़ना है, तो इधर जा रही थी तो बेचारी इधर नॉर्मल की ओर थोड़ी घूम गई। ठीक है, अब जो है यहां से बाहर जाने के लिए फिर मीडियम चेंज हो रहा है, तो फिर मीडियम चेंज हो रहा है बच्चों, तो इस बार डेंसर से रेयरर में जाएगी, किसमें डेंसर से रेयर में, इधर भी एयर है, डेंसर से रेयरर में जाएगी। ओके, तो डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो इस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल यानी इस सरफेस का सेंटर कहीं इधर होगा, तो ड्रॉ किया जाए। ठीक है, हो गया नॉर्मल ड्रॉ। अब सुनो, डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होता है, डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से अवे भागती है, डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से अवे भागती है। तो यहां इसका रास्ता तो था इधर, पर भागना है नॉर्मल से दूर, तो ये घूम जाएगी इधर। अब देखो बच्चों,
इंसिडेंट रे को ये नॉर्मल की ओर मोड़ता है। हो गया प्रूफ, हो गया ना प्रूफ, इंसिडेंट रे को नॉर्मल की ओर मोड़ता है, नॉर्मल बोल रहे प्रिंसिपल की ओर मोड़ता है, इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ता है, कौन, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसी प्रकार से कॉनकेव का भी बना सकते हो, ये कॉनकेव हो गया, ठीक है, ये चला इधर, तो इस सरफेस का सेंटर कहीं इधर होगा, सी, तो यहां से इसको मिलाओगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब जा रही थी इधर, नॉर्मल की ओर भागना है, रेयर से टेंशन नॉर्मल की ओर, तो इधर की ओर घूम जाएगी, ठीक। इस पॉइंट पे सेंटर से मिलाओ, तो डेंसर से रेयर में जा रही थी इधर और नॉर्मल से दूर भागना है तो चली जाएगी इधर, तो देखो कॉनकेव जो है वो प्रिंसिपल से अवे भागाता है। इस चीज को हम लोग प्रूफ किया, हालांकि तुमको इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस याद रखो, अब याद रखने में आसानी है, कॉन्वेक्स जो है नॉर्मल की ओर मुड़ाती है, यानी जो भी रे कॉन्वेक्स लेंस से जाएगी उसको आप कन्वर्ज करती है, क्या करती है, कन्वर्ज करती है, प्रिंसिपल की ओर घुमाती है, एक पॉइंट पे मिलाने की कोशिश करती है, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। क्या बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस, और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागा रही है, बिखरा रही है, सबको डाइवर्ट कर रही है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। तो ये बच्चों था लेंस, लेंस में हमने ऑप्टिकल सेंटर फोकस देखा, और ये भी देखा कि कॉन्वेक्स जो है प्रिंसिपल की ओर क्यों मोड़ाती है, और कॉनकेव जो है प्रिंसिपल से दूर कैसे भागाती है, इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया, देखा, ठीक है। तो नोट करना हो तो कर लो, वैसे ये तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एग्जाम में तुमसे पूछा नहीं जाएगा टेंथ तक, फिर भी चाहो तो नोट कर सकते हो, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे इसमें हम लोग देखेंगे, लेंस पढ़ रहे थे, लेंस रिलेटेड टर्म, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, और भी चीजें हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव हम अब तक बोले जा रहे हैं, ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, तो कॉन्वेक्स किसको बोलना है, कॉनकेव किसको बोलना है, इसका डिफिनेशन भी लिखाया जाएगा अगले लेक्चर में, कल हम लिखा देंगे, और क्या क्या प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स क्या करता है, तो कॉन्वेक्स रे को डाइवर्ज करता है, ये पता चल गया, और क्या करता है कॉनकेव, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो फिर पढ़ते रहो, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले लेक्चर में। सो ऑल द वेरी बेस्ट।